फिल्म पद्मावती की रिलीजिंग डेट भले ही रुक गई हो, लेकिन फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का विरोध लगातार जारी है। कोटा में आज राजपूत महिलाएं आशापाला मंदिर में एकत्र हुईं और फिल्म का विरोध करते हुए हवा में तलवारें लहराईं। शतरानियों ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को एक बार फिर चेताया और फिल्म को बैन करने की मांग की। शतरानियों का कहना था कि अब राजपूत समाज की महिलाएं भी खुलकर फिल्म का विरोध करेंगी और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगी। यही नहीं, विरोध स्वरूप फिल्म के पोस्टर्स में भी आग लगाई गई और अपना विरोध दर्ज करवाया। संजय बंसाली मुर्दाबाद, संजय बंसाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संजय बंसाली। फिल्म रुकी नहीं है, नाटकबाजी चल रही है इन लोगों की, और ये चाह रहे हैं कि रिलीजिंग डेट थोड़ी आगे बढ़ा दें ताकि मुद्दा शांत हो जाए। ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। हम राजपूतों का खून खोल चुका है। शेर जब तक शांत बैठा रहता है ना, चूहे भी कूदते रहते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब शेर को जगा दिया गया है ना, तो अब भंसाली जी देख लें, अभी तक तो बना लोग ही उतरे थे, क्षत्रिय लोगों का तांडव देख चुके हैं वो कुछ शहरों में, और अब क्षत्राणियां भी मैदान में आ गई है। हमारी तलवारों में जंगे नहीं लगी है। हम बचपन से पैदा होते हैं तब से घुड़सवारी और तलवारबाजी चलाना सीखते हैं, और वो जो पद्मा और रानी पद्मावती का जो खून था, जो बूंदी हाडी रानी का जो खून था, वही खून आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। और जो जौहर है ना, ये पुरानी बातें नहीं है, जौहर आज भी हो सकता है। भंसाली जी मजबूर ना करें हमें, नहीं तो इससे आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे इतिहास के साथ जो खेल खेला है, ये बिल्कुल गलत है। और अभी तो हमने सिर्फ तलवारें हाथ में ली है, कहीं ऐसा ना हो 1 दिसंबर तक उन्हें पिक्चर रिलीज कर दी तो ये तलवार सारी उनकी गर्दन पे ही दिखेगी।